गाइस ये देखिए यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ था और यहाँ से ये पहाड़ गिर गया था और यहाँ पे काफी बंदे मर गए थे। तो गाइस जो ट्रेन की स्पीड है वो है 20 के आसपास। तो गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो ये कालका शिमला ट्रेन है ये 10 जुलाई से बंद पड़ी थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस यार आज चंडीगढ़ से आए थे कालका शिमला जाने के लिए, घर से मैंने बाइक ली अपनी और हम यहाँ पहुँचे कालका में और हमने टिकट्स लिए जनरल कोच के जो कि है 65 रुपीज़ का, और वो ट्रेन हमारी मिस हो गई। हम पहुँच गए थे, बस ट्रेन चल पड़ी और निकल गई ट्रेन यार, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पे टीटी है डिलक्स कोच का उससे हमने बात की है, तो वो मांग रहा है 1000 रुपये दो बंदों के। वो कहता है अगर शिमला जाना है तो 1000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो चलो अब कोई बात नहीं है, बाइक हमने लगा दी है पार्किंग में और कोई बात नहीं, अब 1000 रुपये देंगे टीटी को और यहाँ से हम शिमला जाएंगे गाइज। और रास्ते में जो भी जैसा भी व्यू आएगा और जो भी बातें होंगी आपसे बातें करेंगे, और आपको रास्ते का जो खूबसूरत व्यू है ना, जो पहाड़ों का व्यू है, जो टनल्स आएंगे वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइज यहाँ पे जो ट्रेन है, यहाँ पे फिलहाल यहाँ से 3 ट्रेन चल रही हैं, एक 6:20 पे चलती है, एक 7 बजे और एक 12 बजे। और गाइज ऑनलाइन बुकिंग अभी हो नहीं रही है क्योंकि मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं पा रही थी, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन लेने के लिए आए थे, ट्रेन मिस होगी। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पहुँचेंगे शिमला और आपको दिखाता हूँ रास्ते का व्यू। तो गाइज कुछ ऐसा व्यू है मॉर्निंग का है यहाँ पे, अभी सुबह के बजे हैं 7 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट बजी गए हैं। और आप ये देखिए यहाँ पे, तो कुछ ऐसा व्यू है मॉर्निंग का आप देख पा रहे हैं। चलते हैं ट्रेन की तरफ और बैठते हैं। तो गाइज ट्रेन चल चुकी है आराम आराम से, ये देखो परमजीत भाई खड़े हैं पीछे और अभी स्टार्ट हुई ट्रेन, जस्ट चलनी है यहाँ पे। अभी आपको रास्ते का व्यू दिखाते हैं अल्टीमेट वाला, और जितने भी टनल्स आएंगे जो कुछ आएगा आपको रास्ते में दिखाते चलेंगे, और वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस जो ट्रेन की स्पीड है वो है 20 के आसपास, 20 से भी कमी होगी, अरे यार 20 से भी कमी होगी, बहुत आराम से चल रही है। और जो ये हमारा कोच है अटैच बाथरूम है, ये पीछे देख पा रहे हैं ये वॉशरूम है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं व्यू बाहर का कैसा आ रहा है। और ये जो छत है इसकी वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास लगा हुआ है, पर जो ग्लास है इतना साफ नहीं है, इनको साफ नहीं किया हुआ, बाकी ठीक है। 2 नंबर में आ रहे हैं आज यहाँ पे। यार हिमाचल ना वाकई में बहुत खूबसूरत है, कभी कभार बंदे को आना चाहिए हिमाचल भी पहाड़ों में घूमने के लिए। तो गाइस अभी पहुंचे हैं धर्मपुर और ट्रेन यहाँ रुकी है कुछ टाइम के लिए, और मैं बता दूँ ट्रैक बिल्कुल सेफ है, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था वो रिपेयर कर दिया गया है, और मौसम भी काफ़ी साफ है, धूप निकली हुई है आप ये देखिए। और ये पहला स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन रुकी है कालका के बाद, धर्मपुर यहाँ का नाम है, और अभी ट्रेन चलने ही वाली है, सोचा बाहर आके आपके लिए एक थोड़ा सा वीडियो बना दूँ।
पे खड़े हैं भाई साहब झंडा लेके, और ये आ गई है टनल एक और। गाइस ये काफ़ी लंबी टनल है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है अंदर ना। तो गाइस अभी आया है दूसरा स्टेशन जिसका नाम है वड़ोक स्टेशन, और इसके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। यहाँ पे एक इंजीनियर था अंग्रेजों के टाइम में, उसने यहाँ सुसाइड किया था, तो तब से इसका नाम पड़ा है वड़ोक स्टेशन। और आप ये देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं खाने पीने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा स्विच करके। तो यहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी कटलेट ब्रेड पकौड़े आराम से मिल जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे लोग खाने पीने के लिए सामान लेते हुए। और गाइस ये दूसरा स्टेशन है धर्मपुर के बाद जो आता है वड़ोक, और यहाँ पर आपको छोले कुलचे भटूरे सब कुछ मिल जाएंगे, और ये वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पास में ही है। तो गाइस ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, ये देखिए कैसे हो ब्रो। तो गाइस जो ये आप टनल देख पा रहे हैं, ये अब तक की सबसे लंबी टनल है, और अप्रोक्सीमेट ये 2 से 3 किलोमीटर की है। टनल काफ़ी आए हैं रास्ते में, लेकिन जो ये टनल है काफ़ी लंबी है। और यहाँ पे ये देखिए आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हुए। तो गाइस जो यहाँ ना ट्रेन रुकती है वड़ोक में, बहुत कम टाइम के लिए रुकती है, अप्रोक्सीमेट 5 या 6 मिनट के लिए। अगर आपको कुछ खाने पीने का लेना है या वॉशरूम जाना है तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 या 6 मिनट के बाद ही ये ट्रेन वापस चल पड़ती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना कि 5-7 मिनट ही होते हैं आपके पास रुकने के लिए। बाकी वीडियो में बने रहिए, और मैं दिखाता हूँ आपको व्यू हिमाचल का, ये देखिए। गाइस वड़ोक के बाद ये रुका है सोलन में आके, और सोलन में भी आप यहाँ पे कैफेटेरिया है, चाय कॉफ़ी आपने लेना है ये देखिए पीछे यहाँ पे। फर्स्ट स्टेशन था धर्मपुर का, उसके बाद वड़ोक, वड़ोक के बाद सोलन, ये हमारा थर्ड स्टेशन है, याद रखिएगा। और वीडियो में यूँ ही बने रहिएगा, आपको शिमला तक का पूरा अपडेट दूंगा मैं आज आपको। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं तारा देवी रेलवे स्टेशन, और ये हमारा फोर्थ स्टेशन है। मैं आपको याद करा दूँ, पहला था धर्मपुर, उसके बाद था अपना वड़ोक, फिर सोलन, और ये तारा देवी, ये फोर्थ स्टेशन है। यहाँ पे बता रहे हैं कोई क्रॉस लगा हुआ है, तो ट्रेन ने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। और जो टनल्स हमारे आए हैं, अब तक हम 91 टनल्स क्रॉस कर चुके हैं, और ये 92 मेरे जस्ट सामने है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरी बैक साइड पे, ये जो आप टनल देख पा रहे हैं ये 92 नंबर है। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि पूरे रास्ते के अंदर कितने टनल्स आए हैं। तो कुल मिला के अभी हम खड़े हैं 92 नंबर टनल्स पे, और वीडियो में बने रहिएगा, जो भी अपडेट है रास्ते का मैं आपको देता रहूँगा। तो कुछ ऐसा व्यू है, और अब हम शिमला पहुंच जाएंगे 1 घंटे में, क्योंकि 12:30 बजे ये हमें शिमला पहुंचा देंगे। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ था, और यहाँ से ये पहाड़ गिर गया था, और यहाँ पे काफ़ी बंदे मर गए थे,
और उसी कारण यहाँ पे ये जो टॉय ट्रेन है बंद कर दी गई थी 10 जुलाई के बाद। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट रिपेयरिंग का काम हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो 10 जुलाई के बाद ये अभी अक्टूबर में आके ये स्टार्ट हुई है टॉय ट्रेन फिर से। तो ये इसका मेन पॉइंट था, जो मेन कारण था इसको बंद करने का, वो सामने देखिए मैं जूम कर लेता हूँ। तो गाइज फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं और ये शिमला का लास्ट स्टेशन है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इससे आगे ट्रेन जाती नहीं है, जो भी ट्रेन आती है लास्ट यहीं तक आती है, उसके बाद ट्रेन यहीं से वापस चली जाती है। तो ये देखिए जो ट्रेन मेरे पीछे खड़ी है, इस ट्रेन में हम आए हैं और ये लास्ट स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन आती है। और गाइज अब चलते हैं, हम देखते हैं कोई टैक्सी और घूमते हैं शिमला, और वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, तो वीडियो में यूं ही बने रहिएगा। तो गाइज एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो ये कालका शिमला ट्रेन है ये 10 जुलाई से बंद पड़ी थी, क्योंकि समर हिल्स और काफ़ी एरिया में ना यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था, तो जो ट्रैक है रेलवे का ट्रैक खराब हो गया था। तो 10 जुलाई से ये बंद थी और ये अभी चालू हुई है एक हफ्ते पहले। तो अगर आपने शिमला आना है आप शिमला आ सकते हो, सारे रास्ते खुल गए हैं और टोटल 6 ट्रेन चल रही हैं कालका से। एक 6:20 पे है और एक 7 बजे है, एक 12 बजे है, और ट्रेन्स और भी हैं आप पता कर लीजिएगा। और जो प्राइजेज हैं टिकट्स के वो 65 से लेके 350 तक है, तो आप अपने हिसाब से आ जाइएगा। बाकी हम शिमला पहुँच गए हैं और ये देखिए ये है यहाँ पर वेटिंग हॉल शिमला का, आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया है।